हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। हेलो दोस्तों, ये MI का फ़ोन है और इसमें प्रॉब्लम है यही, ये लोगों पे अटका हुआ है, सिर्फ MI लिखा आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, विदाउट फ्लैशिंग से, ठीक है। हमें कोई फ्लैश फाइल नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसको ईजिली रिमूव, इसकी लोगो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पर बस यहीं भी लोगों पे ही अटका रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है इस फ़ोन को, कितना भी टाइम अगर आप देखते रहेंगे ये दोस्तों इस लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी बैटरी रिमूव कर देना है, दोबारा लगाना है बैटरी को हमें, ये वाली की और ये वाली की को प्रेस करना है, ठीक है। तो हम प्रेस कर लेते हैं, ओके। दोस्तों, हमने दोनों वॉल्यूम अप और पावर की को प्रेस किया, ओके। दोस्तों, ये प्रेस हो गया है। तो हमें यहाँ जाना है रिकवर पोर्ट पे, ठीक है। ओके दोस्तों, रिकवर मोड के बाद में हमें ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो हमें ये दो नंबर पे जाना है। तो ये वॉल्यूम माइनस जो बटन है उसको हमें प्रेस करना है, ओके। अब पावर की को हमें प्रेस कर देना है, ओके। ये बैब ऑल डाटा इसको हमें क्लियर कर देना है, और नीचे कंफर्म लिखा है तो हमें इसे कंफर्म कर देना है, ओके। दोस्तों, ये क्लियर ही हो रहा है, ठीक है। ये डाटा मैप सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमें इसे पावर की को दबा देना है, बैक आना है और रूबूट पे हमें रोबोट टू सिस्टम पे ओके कर देना है, ठीक है। पावर की यूज करने की यूज करना है, दोस्तों इसकी प्रोसेस, अब ये MI है, इसकी प्रोसेस लगभग 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक होती है प्रोसेस। तो दोस्तों, देखते हैं हम इसको कि हमारा सेट हो गया या नहीं।
ओके दोस्तों, ये हो चुका है। ठीक है, तो हमको इसके प्रोसेस को बढ़ा लेना है आगे। स्किप कर देना है, यहाँ पे आगे बढ़ा लेना है। यहाँ टिक लगा के आगे प्रोसेस को बढ़ाएं। ओके दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वाले आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके लिए थैंक्स।